आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और खास करके मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले हम ये भी समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सबसे सर्वोपरि है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस देश में और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम सब लोग आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ही इस देश के अंदर सब कुछ डिसाइड करता है। आप क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। आप कौन सी शिक्षा हासिल करेंगे, कौन सी एजुकेशन को हासिल करेंगे, उसके बाद कौन सी जॉब करेंगे, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। आप ड्रग्स के अंदर कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है। तो अगर आज हम अपने इस देश के अंदर बोल पाते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में होते, चाइना में होते, तो बोल भी ना पाते। तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारे देश को चलाता है। हमारे देश के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी सरकार चुनी जाएगी और किस तरीके से चुनी जाएगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। सरकार क्या काम करेगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के अंदर हर कुछ तय करता है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी अथॉरिटी है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, चाहे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हों, चाहे आपकी धार्मिक बुक्स हों, उससे भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। और जैसे कि मैंने कहीं पे सुना था किसी को बोलते हुए कि अगर आपको गीता और कुरान और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में से किसी एक चीज को चुनने का मौका मिले तो आपको बिना टाइम व्यर्थ किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चुनना चाहिए। और अगर 5 सेकंड की भी आप देरी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चुनने में, तो समझ लो कि आपकी देशभक्ति में खोट है, आप इस देश के अच्छे नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के अंदर सबसे सुप्रीम है। तो आइए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, ये एक रूल बुक होती है। रूल बुक का मतलब हुआ कि एक देश को किस तरीके से चलाया जाएगा, एक देश के इकोनॉमिक अफेयर्स को किस तरीके से देखा जाएगा, एक देश ओवरऑल तरीके से किस तरह से चलेगा, एक देश के अंदर सरकार किस तरह से काम करेगी, पार्लियामेंट किस तरह से काम करेगा, लॉज किस तरह से बनाए जाएंगे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो हमारा देश किस तरह से फंक्शन करेगा, उस हर एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल बुक है और वो रूल बुक डिसाइड करती है कि हमारे देश को किस तरह से चलाया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आता है कि विच डिसीजंस आर टू बी टेकन, कि कौन से डिसीजंस लेने हैं, सरकार क्या डिसीजंस लेगी, सरकार किस तरह से काम करेगी, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड किया गया है। उसके बाद इसके अंदर आता है लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की पावर को लिमिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को एक दायरे में रहने के लिए बोलता है। अगर सरकार उस दायरे को क्रॉस करती है तो सरकार को लिमिट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती, सरकार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट्स लगाई जाती हैं। मतलब कि सरकार वो ही करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके सरकार कुछ करती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, जुडिशरी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है जो रोकता है सरकार को अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए या फिर संविधान के बाहर जाने से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान जो है वो सरकार को लिमिट करता है। सरकार किसी को भी गोली नहीं मार सकती, सरकार किसी का भी मर्डर नहीं करवा सकती, क्योंकि संविधान जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। उसके बाद इसके अंदर आता है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जरूरत है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आपको यहां पे समझना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर आता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मान लो एक समाज है और उस समाज के अंदर डाइवर्स तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग मजहब के लोग रह रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, और उस ग्रुप के अंदर कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है।
तो किस तरह तरीके से उस ग्रुप को इकट्ठा चलाना है, उस ग्रुप के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना है, उसका काम जो है वो संविधान करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक समाज है वो डाइवर्स है, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं। हिंदूज चाहते हैं कि हमारे साथ ये होना चाहिए, हिंदूज चाहते हैं कि हम अपने धर्म की पूजा करें और मुस्लिम चाहते हैं कि हम अपने धर्म की पूजा करें। तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पूरा समाज आपस में मिलके ये तय करेगा, कॉमन अग्रीमेंट करेगा कि हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब कि हिंदूज भी पूजा कर सकते हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। अगर संविधान नहीं होगा, अगर वो समाज एक कॉमन अग्रीमेंट के ऊपर डिसीजंस नहीं लेगा, एक अग्रीमेंट नहीं बनाएगा, तो उसमें क्या होगा, कोई भी अगर मुस्लिम नमाज पढ़ रहा होगा तो हिंदू उसको जो है रोक लेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक कॉमन एग्रीमेंट को किस तरह से बनाना है। जब मान लो एक समाज है और समाज को लगता है कि एक समाज के अंदर अगर कोई ज्यादा स्पीड में बाइक चलाएगा तो उससे पूरे समाज को नुकसान होगा, या फिर अगर कोई ड्रग्स का कारोबार वहां पे करेगा तो उससे सारा समाज बर्बाद होगा, लेकिन अगर संविधान ही नहीं है तो कौन रोकेगा उस ड्रग्स की हेराफेरी करने वाले बंदे को, कौन रोकेगा 200 से ज्यादा स्पीड पे बाइक चलाने वाले बंदे को। तो संविधान अगर होगा वहां पे, तो संविधान के तहत पूरा समाज आपस में मिलजुल के ये फैसला लेगा कि कल से अगर कोई भी व्यक्ति 200 से ज्यादा स्पीड में बाइक चलाता है तो उसके ऊपर हम ये वाले एक्शंस लेंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन बनती है समाज के बीच, समाज कुछ रूल्स को जो है बनाता है समाज के अंदर और उन रूल्स को जो है वो एक कॉमन मैकेनिज्म के तहत इक्वल तरीके से सभी के ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है हमारा संविधान। उसके बाद संविधान बताता है कि डिसीजंस किस तरह से लिए जाएंगे। अब डिसीजंस लेने का मतलब क्या है, संविधान हमें बताता है कि भाई डिसीजंस कौन लेगा, क्या मैं इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के डिसीजंस ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के डिसीजंस लेने की पावर प्रधानमंत्री के पास ही है और संविधानिक पावर है उसके पास, क्योंकि वो चुन के आया है इस देश के अंदर और तब प्रधानमंत्री बना है, उसको लोगों ने वोट दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर मैं चला जाऊं और कहूं कि कल से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे मैं बैठ जाऊंगा और मैं डिसीजंस लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डिसीजंस कौन लेगा ये संविधान बताता है। अगर संविधान ना होता तो हमारे देश के अंदर किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के नियम बनाए जाएंगे, स्कूल एजुकेशन को किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, उसके बाद हमारे देश में लॉज किस तरह से बनाए जाएंगे, ये सब काम कौन करता अगर संविधान नहीं होता। तो संविधान बताता है हमें कि ये काम कौन करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत है यहां पे। उसके बाद एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, मतलब कि संविधान समाज की एस्पिरेशंस के ऊपर काम करता है, समाज के भले के लिए काम करता है, समाज का भला किसमें होगा, गोल्स क्या है समाज के, उसके लिए काम करता है। आपने हमारे संविधान के अंदर प्रियम्बल के अंदर देखा होगा, वहां पे लिखा है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सब गोल्स हैं हमारे संविधान के, मतलब कि हर एक व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। ये किसके गोल्स हैं, ये संविधान के अंदर लिखा गया है, ये समाज के गोल हैं, क्योंकि समाज के पास इंसाफ होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। सो उन सब गोल्स को संविधान जो है वो समाज के अंदर पूरा करने की कोशिश करता है। वो सब समाज के जो गोल्स हैं, समाज को क्या चाहिए, समाज के लिए अच्छा क्या है, वो संविधान जो है वो पूरा करने की कोशिश करता है। उसके बाद इसके अंदर आता है लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने जैसे आपको ऊपर समझाया, ये जो संविधान है ये गवर्नमेंट को लिमिट करने की कोशिश करता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से ही काम करेगी, गवर्नमेंट को संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। तो ये काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ जैसे कि ऊपर यहां पे मैंने लिखा है, दिस इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये हमारी जमीन का सुप्रीम लॉ है, मतलब कि इस देश के अंदर संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान के हिसाब से ही हर एक चीज चलेगी इस देश के अंदर, संविधान ही डिसाइड करेगा हर एक चीज को, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। तो संविधान के हिसाब से हर कोई काम करेगा, तो संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। तो ये सब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। तो आइए अब समझते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना, मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना।
तो जब मैं भारत की बात करता हूँ तो 1940s के टाइम पे या 1930s के टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी थी कि भारत को एक अलग संविधान मिलना चाहिए, भारत का अलग एक संविधान होना चाहिए जो भारत के लोगों के द्वारा खुद बनाया गया हो, मतलब कि एक भारत की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया हो। उससे पहले यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जो है वो अपने संविधान के तहत इस देश को चलाते थे। तो 1930s और 40s के टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को पता चल गया था कि हम जल्दी ही आज़ादी को हासिल कर लेंगे, और उसी टाइम पे उनकी ये आवाज़ उठने लगी थी कि भारत के पास एक अपना संविधान होना चाहिए जो हमारे द्वारा खुद बनाया गया हो, जो हम खुद डिसाइड करेंगे कि भारत को किस तरीके से चलाया जाएगा। तो जब मैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ कि किस तरह से भारत का संविधान बना, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पहले इसका इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, मतलब कि थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हमारा संविधान 1949 में पूरे तरीके से बनकर सामने आ गया और 1950 में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उससे पहले इसका इतिहास क्या है। तो जब मैं इसके इवोल्यूशन की बात करता हूँ, 1934 में, मतलब कि 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया गया था एमएन रॉय के द्वारा। तो एमएन रॉय ने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया दिया था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिससे भारत का संविधान बनाया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जैसे हमारे देश का एक पार्लियामेंट है जो हमारे देश के लिए कानून बनाता है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है कि एक ऐसी असेंबली होगी जो लोग हमारे देश के संविधान को बनाएंगे, मतलब कि वहां पे कुछ मेंबर्स होंगे, जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स होते हैं और वो लॉज को बनाते हैं, उसी तरह से वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो हमारे देश के संविधान को बनाएंगे। उसके बाद 1934 में एमएन रॉय ने ये आइडिया दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो एमएन रॉय कौन थे? एमएन रॉय जो है वो हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे, मतलब कि इस देश के अंदर उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को जो है वो उजागर किया, कम्युनिस्ट मूवमेंट को चलाया, पायनियर थे वो। उसके बाद क्या होता है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो हमारे आजादी में सबसे अहम रोल प्ले कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 1885 में बनाया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, ऑफिशियली एक डिमांड रखी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हमारे देश के संविधान के लिए। मतलब कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि भारत के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत के संविधान को बनाएगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी हुए और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे इस देश के, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस के बिहाफ के ऊपर, आईएनसी के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि वो आईएनसी के लीडर थे, तो आईएनसी की ओर से उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाई ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस के बिहाफ पे ये कहा कि हमारे पास, हमारे देश में हमारा एक अपना संविधान होना चाहिए जो हमारे द्वारा खुद बनाया गया हो बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के, मतलब कि इस संविधान को हमारे भारत के लोग बनाएंगे, कोई अंग्रेजों का या बाहर का किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस संविधान को बनाएगी उसको एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर इलेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो संविधान को बनाएगी, उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर चुना जाना चाहिए, जैसे कि हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज होते हैं उन्हें लोग चुनते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लोग होंगे जो संविधान को बनाएंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर चुने जाने चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइज होता है वो लोग जो कि एडल्ट हैं उनके पास अधिकार होना चाहिए वोट करने का, मतलब कि हर एक इंसान के पास जो भी एडल्ट है, मतलब कि 18 या 21 साल से ऊपर है, उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दे के उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे और वो लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के हमारे देश के लिए संविधान बनाए। तो ये डिमांड्स हमारे देश के कुछ फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा रखी जा रही थी। उसके बाद फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है ब्रिटिशर्स का, जो हिंदुस्तान में भेजा जाता है। उस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्कीम थी कि भारत की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, कैबिनेट मिशन
प्लान के तहत इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों को अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी जाएगी जिसके तहत भारत के लोग संविधान बना सकते हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन के अंदर ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होनी चाहिए इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होने का मतलब क्या है? देखिए, जो मुस्लिम लीग थी जो हमेशा पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोग खुद अपने लिए खुद जो है वो संविधान बनाएंगे, वो भारत के साथ मिलकर क्यों संविधान को बनाए, तो इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। इन्होंने कहा था कि संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया की होगी, मतलब कि इसके अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इंक्लूडेड होंगे, मतलब कि पूरा देश हमारा, भारत के अंदर पाकिस्तान भी आएगा और पूरा देश हमारा जो है वो अनडिवाइडेड होगा। तो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है और भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के जो है वो एक असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भारत के लिए संविधान को बनाएगी। तो देखिए अब क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये मान लिया गया कि भारत के पास अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत के लिए संविधान को बनाएगी, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद क्या होता है, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया जाता है, कंस्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंस्टिट्यूट कर दिया जाता है। और जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता हूं, इसके अंदर 389 सीट्स को रखा गया था, मतलब ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 399 सीट्स होंगी, मतलब कि 389 मेंबर्स होंगे जो भारत के लिए भारत का संविधान बनाएंगे। अब इन 389 सीट्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया था, तो इसमें यह कहा गया था कि 296 सीट्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया को मिलेंगी और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को मिलेंगी। अब ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता है, देखो जब भारत के अंदर अंग्रेज रूल कर रहे थे तो भारत जो पूरा एक देश हुआ करता था, इसके अंदर कुछ जगहें ऐसी थी, कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, जैसे कि बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, उसके बाद मद्रास हो गया, इन जगहों पे जो है ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पे राजा रूल किया करते थे, प्रिंसली स्टेट्स थी वो, मतलब कि यहां पे राजा खुद रूल किया करते थे, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को खुद राजा देखते थे, लेकिन वो राजा लोग क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा टैक्सेस वगैरह दे देते थे। तो इससे क्या होता था, राजा जो है वो अपनी गद्दी को बचा पाते थे, खुद रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स को थोड़े से टैक्सेस वगैरह दे देते थे और कहते थे कि हमें हमारी स्टेट्स में खुद रूल करने दो। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही आती थी प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन इनको खुद ऑटोनॉमसली तरीके से या ऑटोनॉमस तरीके से जो है वो प्रिंसेस, मतलब कि जो अपने राजा होते हैं वो रूल किया करते थे। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश इंडिया था जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे, वहां पे 296 सीट्स रखी गई, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया में 296 सीट्स थी, वहां से 296 लोग जो हैं वो आने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई, मतलब कि उन राजा रजवाड़ों को दे दी गई जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, और कहा गया कि 93 मेंबर्स तुम्हारे यहां से आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बैठेंगे और हमारे देश के संविधान को बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, प्रिंसली स्टेट्स रिजेक्ट कर देती हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से। प्रिंसली स्टेट्स कहती हैं हम तो करने ही नहीं वाले हैं ज्वाइन तुम्हारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, अरे हम तो खुद रूल कर रहे हैं अपने राज्य में, तो अगर तुम कह रहे हो कि भारत के लिए एक संविधान बनाना है तो हो सकता है बाद में तुम हमारे राज्यों को छीन लो, हो सकता है हमसे हमारी गद्दी छीन लो। तो प्रिंसली स्टेट्स को बड़ा डाउट हो रहा था कि हम इसको ज्वाइन करें या ना करें, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि बाद में फिर इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन पहले इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने सोचा यार पता नहीं क्या हमसे हमारे राज्य छीनने के चक्कर में है ये, जब भारत के लिए संविधान बनाएगा उसके अंदर कहा गया था कि भारत एक पूरा एक देश होगा और भारत को संविधान के तहत चलाया जाएगा, डेमोक्रेसी होगी, तो इनको बड़ा डर लग रहा था अपनी गद्दी को खोने से। उसके बाद क्या होता है, देखिए मैंने आपको कहा 389 सीट्स थी, जो 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया से जानी थी, वहां से 296 लोग चुन के जाने थे या फिर वहां से 296 लोग आने थे, और 93 लोग जो है वो प्रिंसली स्टेट से आने थे। लेकिन आने किस तरीके से थे, क्या चुन के आने थे, क्या वोटिंग के तहत आने थे, या फिर डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाने थे, क्या अमीर लोग ही आने थे या गरीब लोग भी चुन के आ सकते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? तो यहां पे कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब कि ये जो 93 सीट्स चुन के आनी है, इनको पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से जो है वो अलॉट किया जाएगा, मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को
जो है वो अलॉट किया जाएगा प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट। तो मान लो एक ऐसी प्रिंसली स्टेट है जहां पे 10 लाख पॉपुलेशन है, वहां से एक ही बंदा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अगर कोई ऐसी प्रिंसली स्टेट है जहां पे 20 लाख पॉपुलेशन है, वहां से 2 लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो पॉपुलेशन के हिसाब से 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट जानी थी प्रिंसली स्टेट से। वहीं ब्रिटिश प्रोविंस की अगर मैं बात करूं, ये जो 296 सीट्स थी ये किस तरीके से जानी थी, इन सीट्स को किस तरह से अलॉट किया गया, तो ये जो सीट्स थी इनको 3 कम्युनिटीज के बीच डिवाइड कर दिया गया। मतलब कि 3 कम्युनिटीज के बेसिस के ऊपर जो है इन सीट्स को फिल किया जाना था। वो 3 कम्युनिटीज कौन सी थी, मुस्लिम्स, सिख्स और साथ ही साथ जनरल। जनरल के अंदर हिंदू आते थे, बाकी मुस्लिम और सिख के अलावा जितनी भी कम्युनिटीज आती हैं, लीजन आते हैं, वो सब जो है वो जनरल के अंदर आने थे। तो बेसिकली ये जो सीट्स थी इनको कम्युनिटी बेसिस के ऊपर जो है वो चुन के भेजना था। जैसे मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सीट्स को अलाउड किया जाना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उसके बाद सिख्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सीट्स को अलाउड किया जाना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और उसी के अंदर जनरल जितनी भी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंगली सीट्स को अलाउड किया जाना था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। देखो उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश प्रोविंस में से जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली कंट्रोल में एरिया था वहां से 296 सीट्स जानी थी, वहां से 296 लोग जाने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। 296 सीट्स वहां पे अलॉट की गई थी और उन सीट्स को जो है वो 3 कम्युनिटीज के बेसिस के ऊपर चुना जाना था। मतलब कि 3 कम्युनिटीज के बेसिस के ऊपर उन सीट्स को जो है अलॉट किया जाना था। वो 3 कम्युनिटीज कौन सी थी, जिसके अंदर मुस्लिम आते थे, सिख आते थे और जनरल आते थे। जनरल के अंदर हिंदूज आते थे, बाकी सारे सिख और मुस्लिम्स के अलावा जनरल के अंदर ही आते थे। अब देखो इनको किस तरीके से चुन के भेजना था। मैंने आपको कहा कि 3 कम्युनिटीज के बेसिस के ऊपर चुन के भेजना है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब कैसे भेजना है, देखो ये जो 3 कम्युनिटीज थी इनके जो मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्ट किए गए थे, मतलब कि इन 3 कम्युनिटीज के अंदर से जो भी लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चुन के गए थे, मतलब कि उस टाइम पे जो हमारे अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे, जैसे आज की स्टेट्स होती हैं उसी तरीके से वहां पे उस वक्त प्रोविंसेस हुआ करते थे और उन प्रोविंसेस की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी, जैसे आज अलग अलग स्टेट्स की विधानसभाएं होती हैं। उसी तरीके से जो भी उन 3 कम्युनिटीज के मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर थे, उन मेंबर्स के द्वारा इन कम्युनिटीज के लोगों को चुन के भेजना था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। अब आपको यहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन हो गई होगी कि ये क्या बोल रहा है, तो मैं आपको दोबारा से सिंपली ये बताता हूं। मान लो हमारे देश में आज संविधान बनना है और आज संविधान हमारे देश के अंदर बन रहा है। हमारे देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसके अंदर कहा गया है कि 10 सीटें जो हैं वो हमारी स्टेट्स में से आएंगी, मतलब कि जो हमारी 29 या 28 स्टेटें हैं उसमें से 10 सीटें हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जाएंगी, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम संविधान को बनाएंगे। तो अब क्या होगा, उन 10 सीटों को किस तरीके से चुना जाएगा, उन 10 सीटों को हमारे देश की जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर जो हमारे MLAs हैं वो MLAs जो हैं वो उन 10 सीटों को फिल करेंगे, वो MLAs जो है वो उनको चुन के भेजेंगे। एक और एग्जांपल दूं, सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जिस तरह से आज राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को भेजा जाता है पता है चुन के, वैसे ही इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा चुन के भेजना था इन 3 कम्युनिटीज के लोगों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। उसके बाद जब मैं प्रिंसली स्टेट्स की बात करता हूं तो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो लोग चुन के जाने थे, मतलब कि 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक बंदा जाना था, लेकिन उसे एक बंदे को कौन भेजेगा, तो वो प्रिंसली स्टेट का हेड भेजेगा, मतलब कि जो राजा होगा उस प्रिंसली स्टेट का वो भेजेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है वो कंपोजिशन होती है। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें से 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स की थी, 296 सीट्स जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस की थी। ब्रिटिश प्रोविंस में से 3 कम्युनिटीज के बेसिस पे लोगों को चुन के भेजना था और उन 3 कम्युनिटीज के लोगों को जो है वो जो स्टेट्स की असेंबलीज थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके मेंबर्स के द्वारा इन 3 कम्युनिटीज के बेसिस के ऊपर लोगों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भेजना था चुनके बाई सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम के तहत भेजना था। जिस तरीके से राज्यसभा की इलेक्शंस होती हैं आज हमारे देश के अंदर, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इलेक्शंस होती हैं। मैंने आपको बता दिया कि कितनी सीट्स थी और किस तरीके से चुन के भेजना था।
अब यहाँ पे इलेक्शंस हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि प्रिंसली स्टेट्स ने बायकॉट कर दिया है इलेक्शंस को। प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि हम अपने मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर नहीं भेजेंगे। तो जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि जुलाई अगस्त 1946 के अंदर इलेक्शंस होती हैं किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि 208 सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं। मतलब कि 208 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने कैंडिडेट्स को या अपने मेंबर्स को चुन के भेजती है, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि 73 सीट्स के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग अपने कैंडिडेट्स को भेजती है, और 15 सीट्स जो है वो बाकी वालों को मिलती हैं, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के हो गए या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो गए, तो 15 सीटें उनकी थी। तो बेसिकली इस तरीके से जो है वो सीट्स को हासिल करती है, 208 INC, 73 मुस्लिम लीग और 15 अदर, जिसमें 296 सीट्स हो जाती हैं टोटल, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने जो अपनी 93 सीट्स थी उनको नहीं भेजा था, मतलब कि ये बॉयकॉट कर दी गई थी इलेक्शंस प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। तो इस तरीके से इलेक्शंस होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है। तो जब मैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता हूँ, फर्स्ट मीटिंग होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन गई है, उसके अंदर मेंबर्स को चुन के भेज दिया गया है। अब पहली मीटिंग होती है इनकी 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी 1946 को, 9 दिसंबर को। उसके बाद हम अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, तो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर डॉक्टर एस सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। मतलब कि नई नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, तो एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जो है वो डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा, यानी कि डॉक्टर एस सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया टेम्परेरी बेसिस के ऊपर थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया, और ये एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया जाता है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करने वाली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, कैसा संविधान बनेगा हमारा, क्या होगा इस संविधान के अंदर, कैसा भारत होगा हमारा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया जाता है, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट के अंदर कुछ चीजें लिखी और उसको असेंबली के अंदर जो है मूव कर दिया गया। कब इसको मूव किया गया, December 13, 1946 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मूव कर दिया गया December 13, 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या था वो हम आगे समझेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, December 13, 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था नेहरू के द्वारा, उसको नानी मसली अडॉप्ट कर दिया जाता है January 22, 1947 को। मतलब कि ये जो रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया था, पास मतलब मूव किया था किसमें, असेंबली में, कि ऐसा होना चाहिए भारत या संविधान हमारा, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। मतलब कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जितने भी लोग थे उससे सहमत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप नेहरू जी, ऐसा ही देश होना चाहिए हमारा, ऐसा ही संविधान होना चाहिए हमारा, और यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसलिए इसको नानी मसली, मतलब बिना किसी क्रिटिसिज्म के, बिना किसी अपोजिशन के पास कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है January 22, 1947 को। इसके अंदर क्या आता था, इसके अंदर सबसे पहले आता था कि भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होगा, मतलब कि टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट रिपब्लिक का मतलब ये है कि भारत जो है वो अब आजाद होगा और रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट जो है उसको भी इलेक्ट किया जाएगा, हमारे देश का कोई आम इंसान भी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड नहीं होता है, वहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो मोनार्क होता है, राजा होता है, हेरिडिटरी होता है, एक ही फैमिली का होता है। तो वहां पे अगर इंग्लैंड की बात करें तो आपको पता होगा ना, इंग्लैंड की क्वीन जो थी उनकी अभी डेथ हुई है, वहां पे अब उनके बेटे जो है वो राजा है, वो हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन अगर आप भारत की बात करो तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है उसको भी इलेक्ट किया जाता है, और हमारे देश का कोई भी नागरिक अगर वो 35 साल का है या फिर हिंदुस्तान का सिटीजन है तो उसको जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है।
उसके बाद इसके अंदर आया कि हिंदुस्तान जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया होगा, मतलब कि भारत जो है वो यूनियन होगा। एक यूनियन का मतलब ये है कि भारत के अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस भी आएंगे, प्रिंसली स्टेट्स भी आएंगी, और कोई टेरिटरी जो भारत ने एक्वायर की है फ्यूचर में वो भी आएगी। तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होगा कि भारत जो है वो एक यूनियन होगा, मतलब कि एक भारत जो है वो सबको मिला के एक यूनियन बनेगा। उन सबके अंदर क्या होगा, ब्रिटिश प्रोविंसेस भी आएंगे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, प्रिंसली स्टेट्स भी इसके अंदर आएंगी, और साथ ही साथ जो बाद में कोई हम टेरिटरी को अपने कब्जे में लेंगे वो भी इसके अंदर आएगी। जैसे कि आपको पता होगा गोवा, सिक्किम जो हमारे देश के आजाद होने के बाद कई सालों के बाद हिंदुस्तान के साथ जुड़ी है वो भी इसके अंदर आएंगी। तो एक्वायर्ड टेरिटरी फ्यूचर का मतलब ये है कि सिक्किम जैसे 1975 में हिंदुस्तान के साथ या 73 में शायद हिंदुस्तान के साथ जुड़ी, गोवा हमारा पार्ट पहले नहीं हुआ करता था, गोवा बाद में हमारे साथ जुड़ा, पुंडुचेरी है, तो वो जो टेरिटरीज हैं वो भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आएंगी। तो ये मतलब था यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके बाद थर्ड इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आता था प्रोविंशियल ऑटोनॉमस यूनिट्स टू हैव पावर्स ऑफ गवर्नेंस, कि हमारे इस देश के अंदर, इस यूनियन के अंदर जो हिंदुस्तान एक यूनियन होगा, इसके अंदर कुछ प्रोविंसेस होंगे जिनके पास हम ऑटोनॉमस पावर्स देंगे, मतलब कि उनको गवर्नेंस की पावर्स देंगे। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब कि जो हमारा देश रहेगा इसके अंदर जो स्टेट्स रहेंगी, जो प्रोविंसेस रहेंगे, इनको थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी जाएंगी ताकि वो खुद गवर्नेंस कर सकें। जैसे कि आज अगर हम हमारे स्टेट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें 2019 से पहले, तो यहाँ पे हमें स्पेशल पावर्स दी गई थी कि हम खुद यहाँ पे गवर्नेंस कर सकें इस स्टेट के अंदर। वैसे ही अगर आप अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे भी उनको पावर्स दी जाती हैं कि स्टेट के चीज़ों को जो है वो स्टेट खुद देखे, तो उनको ऑटोनॉमस पावर्स दी जाती हैं। और ऑटोनॉमी की डिमांड जैसे कि हमारे यहाँ टाइम टाइम पे स्टेट्स करती भी रहती हैं, तो ऑटोनॉमस यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि जो प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनको ऑटोनॉमस पावर्स दी जाएंगी ताकि वो अपनी गवर्नेंस को वहां पे कंटिन्यू कर सकें। उसके बाद यहाँ पे कहा गया ऑल सोर्सेज ऑफ पावर इज पीपल ऑफ इंडिया, जो भी पावर का सोर्स है वो इस देश के लोग होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश को लोग चलाते हैं, लोग इस देश के संविधान को बनाते हैं, संविधान अपनी पावर लोगों से ड्राइव करता है, तो जितनी भी पावर का सोर्स है वो लोग होंगे। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट अगर पावर को एक्सरसाइज करती है तो पावर का सोर्स कौन है, कौन देता है वो पावर, लोग देते हैं। संविधान को किसने बनाया है, लोगों ने बनाया है, क्योंकि लोगों के द्वारा चुन के वो लोग जो है वो संविधान सभा में भेजे गए थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी आप कहें उनको। तो लोग जो है वो पावर का सोर्स है, क्योंकि भारत जैसा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे लोग अल्टीमेटली पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो जितनी भी पावर यहाँ पे एक्सरसाइज की जाती है उसका सोर्स जो है वो लोग होंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि एक ऐसा देश होगा जहाँ पे न्याय होगा, जस्टिस मिलेगा लोगों को, इक्वालिटी मिलेगी, इक्वालिटी हर एक बेसिस के ऊपर इक्वालिटी मिलेगी, और साथ ही साथ फ्रीडम मिलेगी, मतलब कि फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, उसके बाद कई तरह की आज़ादी लोगों को मिलेगी। तो इन सब वैल्यूज के ऊपर काम किया जाएगा, लोगों को जस्टिस दिलाया जाएगा, इक्वालिटी दिलाई जाएगी, फ्रीडम दिलाई जाएगी, इस चीज़ की यहाँ पे बात की गई। उसके बाद यहाँ पे कहा गया टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ पे कहा गया कि जो माइनॉरिटीज में लोग हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो क्या बोलते हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो भी जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उनको जो है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे बचाया जाएगा, उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे, उनको जो है उनकी वेलफेयर के लिए भी काम किया जाएगा। तो ये सिक्स्थ पॉइंट था इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। उसके बाद सेवन्थ इसके अंदर आता है कि जो भारत की टेरिटरी है, जो भारत की जमीन है, जो हमारी लैंड है, जो हमारे समुद्र हैं, जो हमारी हवा है, हमारी एयर है, इसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा भारत है, पूरा का पूरा भारत, इसके माउंटेन्स, इसकी लैंड, इसका सी, इसकी एयर, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए इनकी काम किया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया एट पॉइंट में कहा गया दिस एंशंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट्स फुल कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे ये कहा गया कि जो हमारी भारत की ये जो जमीन है, ये जो हमारी भारत की लैंड है, ये जो एंशियंट लैंड है, ये पूरी दुनिया में एक बड़ी राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस है, मतलब कि पूरी दुनिया में इसको एक ऑनर किया जाता है। तो हमारा जो भारत जो है वो अटेन करता है राइटफुल और ऑनर प्लेस को वर्ल्ड के अंदर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया में पीस को बनाया जा सके, शांति को जो है प्रमोट किया जा सके,
और मैनकाइंड की, इंसानियत की जो है वो वेलफेयर की जा सके। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट का मतलब यही है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक राइटफुल और एक ऑनरेरी पोजीशन को होल्ड करता है, और पूरी कोशिश करेगा भारत या भारत पूरे तरीके से काम करेगा कि इस दुनिया में किस तरीके से शांति को बनाए रखना है और एक मैनकाइंड की किस तरह से वेलफेयर करनी है, इंसानियत को किस तरह से जिंदा रखना है, इंसानियत को किस तरह से बचा के रखना है, इंसानों की किस तरह से वेलफेयर करनी है उस चीज की। तो ये सब आता था, ये सब 8 पॉइंट आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो नेहरू जी के द्वारा मूव किया गया था। और इस रेजोल्यूशन के अंदर आपको भी दिख रहा होगा कि इस रेजोल्यूशन को हर कोई एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर गलत कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बिना किसी बहस के, बिना किसी अपोजिशन के इसको पास कर लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर काम होने लगा और कहा जाने लगा कि भारत का संविधान इस रेजोल्यूशन के ऊपर काम करेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आपको आज के प्रियम्बल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता होगा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रियम्बल के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे देश के अंदर संविधान सभा बन गई थी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, उसके अंदर चुनाव भी हो चुके थे और संविधान सभा अपना काम भी कर रही थी। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो क्या होता है, हमारे यहाँ संविधान सभा अपना काम कर रही थी लेकिन उसी के बीच अंग्रेज यहाँ पे एक एक्ट लाते हैं, उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, इस एक्ट के तहत 3 चेंजेस लाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, मतलब कि हमारी संविधान सभा के अंदर 3 चेंजेस आती हैं। वो 3 चेंजेस क्या थी, इसके अंदर सबसे पहले तो ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अब फुल सोवरन बॉडी होगी, मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी जो संविधान सभा थी, अब वो फुल सोवरन बॉडी होगी। फुल सोवरन बॉडी होने का मतलब ये है कि हमारी संविधान सभा के पास पूरा कंट्रोल है, फुल अथॉरिटी है, सुप्रीम कंट्रोल है, मतलब कि संविधान सभा जो है वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले हमारे देश को जो है वो अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो अंग्रेज खुद एक्ट्स वगैरह यहाँ पे लाते थे, खुद कानून लाते थे। लेकिन अब ये कहा गया कि ये जो हमारी संविधान सभा है इसके पास पावर है, अब सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, संविधान सभा के पास है, ये फुल सोवरन बॉडी है और ये चाहे तो किसी भी कानून को जो है वो क्वैश कर सकती है, उसको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको जो है वो रिपील कर सकती है। मतलब कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, जिसके तहत ये कहा गया कि संविधान सभा सोवरन बॉडी है, इस एक्ट को भी खत्म कर सकती है संविधान सभा, इस एक्ट को चाहे तो मान सकती है, चाहे तो इसके अंदर जो चेंजेस लाई है उनको नहीं मान सकती है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो हमारी संविधान सभा पहले संविधान सभा ही थी, अब ये फुल सोवरन बॉडी है, अब ये चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून को खत्म कर सकती है, किसी भी कानून को अमेंड कर सकती है, किसी भी कानून को रिपील कर सकती है। इसके बाद सेकंड इसके अंदर ये था, मतलब कि सेकंड चेंज इसके अंदर जो आई वो ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये 2 तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो संविधान को बनाने के लिए लाई गई थी, लेकिन अब ये कहा गया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये 2 फंक्शंस करेगी। पहला फंक्शन इसका होगा कि इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, मतलब कि इस देश में जो ऑर्डिनरी लॉज वगैरह होंगे उनको भी इनेक्ट करेगी कौन, संविधान सभा ही। उससे पहले क्या होता था, हमारे देश को रूल कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। तो इस देश में जो लॉज वगैरह हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो फंक्शंस हैं इस देश में परफॉर्म करने के लिए, जो भी ऑर्डिनरी लॉज हैं उनको कौन बनाता था, अंग्रेज बनाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो ऑर्डिनरी लॉज होंगे, मतलब कि जैसे कि आज हमारा जो पार्लियामेंट लॉज बनाता है, वो जो ऑर्डिनरी लॉज होंगे वो भी संविधान सभा बनाएगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 काम करेगी, एक तो देश के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाना और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। एक वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ है कि उनको संविधान बनाना है, उसी के साथ साथ देश को किस तरह से चलाना है वो काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पार्लियामेंट का काम कर रही थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है वो हमारे देश के अंदर कोई सरकार चुनी हुई नहीं थी, वहां पे कोई पार्लियामेंट नहीं था हमारे देश के अंदर, अंग्रेज भी अब पीछे हट गए थे। तो हमारे देश को किस तरह से चलाना है तो पार्लियामेंट का काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी ये हमारे देश का पहला पार्लियामेंट था, फ्री इंडिया का 1947 के बाद पहला पार्लियामेंट
जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी, और जब ये ऑर्डिनरी लॉज को बनाती थी, जब ये देश के अंदर ऑर्डिनरी लॉज बनाने का काम करती थी, उस वक्त इसको जो है वो जीवी मावलंकर हेड करते थे। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आज लोकसभा के स्पीकर कौन है, कौन हेड करता है लोकसभा को, हमारे ओम बिरला जी करते हैं, उसी तरह से जब ये ऑर्डिनरी लॉज बनाती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब वे हमारे देश में पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, उस वक्त स्पीकर का रोल कौन निभाते थे, जीवी मावलंकर। मतलब हेड कौन करते थे, जीवी मावलंकर करते थे, चेयर कौन करते थे, जीवी मावलंकर करते थे। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, जब ये संविधान को बनाती थी, तो उस वक्त इसको हेड कौन करते थे, चेयर कौन करते थे, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। तो ये इसकी सेकंड चेंज इसके अंदर लाएगी। उसके बाद तीसरा इसके अंदर क्या चेंज लाएगी, थर्ड चेंज इसके अंदर क्या थी, तो जब मैं थर्ड चेंज की बात करता हूं, तो उस वक्त क्या हुआ था, हमारा देश जो है वो दो हिस्सों में बट गया था। हमारे देश की पार्टीशन हो गई थी माउंटबेटन प्लान के तहत, तो पाकिस्तान अलग हो गया था, हिंदुस्तान अलग हो गया था। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो अनडिवाइडेड इंडिया की बनाई गई थी, उसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, हिंदुस्तान भी इंक्लूडेड था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को मिलके उसके अंदर 389 सीट्स थी, मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389 थी। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुई, हमारी यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो हो गई, एक हिंदुस्तान के लिए संविधान बनाएगी, एक पाकिस्तान के लिए बनाएगी। तो क्या हुआ, पार्टीशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी दो हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक हिंदुस्तान की। तो जब मैं हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता हूं पार्टीशन के बाद, तो पहले हमारी स्ट्रेंथ थी 389, मतलब कि अनडिवाइडेड इंडिया की, जब पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारी टोटल स्ट्रेंथ बच गई 299। ये जो 299 मेंबर्स थे, ये हिंदुस्तान के लिए संविधान बना रहे थे, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अब टोटल स्ट्रेंथ बच गई थी 299, क्योंकि पाकिस्तान वाले अलग हो गए थे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए संविधान बना रहे थे। उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश प्रोविंस में से हमारे यहाँ 296 सीट्स आ रही थी, अब क्या हुआ, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ बच गई 229। मतलब कि ब्रिटिश प्रोविंस जो कि पाकिस्तान के अंदर भी आता था, मैंने आपको कहा कि जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में एरिया था वहां से 296 सीट्स थी। लेकिन क्या हुआ, पार्टीशन के साथ जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस वाला कुछ एरिया तो पाकिस्तान में चला गया, कुछ बांग्लादेश में चला गया, तो उस एरिया को हटा के, वहां की सीट्स को हटा के जो पाकिस्तान में चली गई थी, हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंस की हिंदुस्तान के अंदर सीट्स बची 229। मतलब कि 229 सीट्स जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस की बची थी अब हिंदुस्तान के लिए, मतलब कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो जानी थी। और वहीं प्रिंसली स्टेट्स जो है वो 93 सीट्स से 70 हमारे पास बची हुई थी। तो ये तीन चेंजेस आई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत। उसके बाद क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, जो एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मतलब कि जो एक संविधान को बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा वो लिखेंगे, एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे, और उसको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखेंगे, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके ऊपर सोच विचार करेगी, उसके ऊपर जो है वो अलग अलग डिबेट्स होंगी, और उसके बाद जो है उसको ड्राफ्ट को जब पास कर दिया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो जब मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करता हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये है कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था कि एक ड्राफ्ट रेडी करना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए वो एक ड्राफ्ट रेडी करना। इसके अंदर हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर लोग थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने इसको चेयर किया था, मतलब कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इस कमेटी को चेयर कर रहे थे। इसके अंदर हमारे पास और भी कई सारे मेंबर्स थे, इन्होंने कई सारे देशों के संविधानों को पढ़ा, कई सारे एनालिसिस किए अलग अलग संविधानों के, और उसके बाद ड्राफ्ट रेडी किए। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फरवरी 1948 को रेडी किया गया था। मतलब कि पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया गया कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, और वो पहला ड्राफ्ट जो है वो फरवरी 1948 को रेडी किया गया था। उसके बाद क्या होता है, ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हुआ, उसके बाद 8 महीने का समय दिया गया जनता को, मतलब कि लोगों को, कि इस ड्राफ्ट को वो पढ़ें, इसके अंदर सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं जनता के, वो हमें बताएं। तो 8 महीने का समय मिला जिसमें लोगों ने इसके अंदर जो है वो कई सारे इसके क्रिटिसिज्म किए, उसके बाद कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया। उसके बाद क्या होता है, सेकंड ड्राफ्ट रेडी होता है। सेकंड ड्राफ्ट जो है वो अक्टूबर 1948 में रेडी होता है, और फाइनल ड्राफ्ट रेडी होता है फिर एक 4 नवंबर 1948 को। तो क्या होता है, हमारे पास तीन ड्राफ्ट आते हैं। पहला ड्राफ्ट जो है वो फरवरी 1948 को रेडी होता है, उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट आता है वो अक्टूबर 1948 में रेडी होता है, और फिर लास्ट जो फाइनल ड्राफ्ट था हमारा वो आता है वो नवंबर 4 नवंबर 1948 में रेडी होके आता है। तो ये सब ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया, मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था कि ड्राफ्ट
डॉक्स को रेडी करना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सब लिखना, और उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको जो है वो पास करेगी उसके बाद, और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको पास कर लेगी तब वो संविधान बनेगा, तब उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। देखिए अब हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट हुई। अब इनैक्टमेंट क्या होता है? इनैक्टमेंट होता है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अडॉप्ट किया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ और उसके बाद हमने इसको अडॉप्ट किया। अब इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ था, मगर ये इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इनैक्टमेंट होता है कि अपने ड्राफ्ट को हमने पास कर लिया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पास कर लिया और अडॉप्ट कर लिया। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी ने 3 ड्राफ्ट रेडी किए, पहला ड्राफ्ट, फिर दूसरा ड्राफ्ट और तीसरा ड्राफ्ट, जिसको हम फाइनल ड्राफ्ट भी कहते हैं। और जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया और उसके ऊपर सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग हुई, मतलब कि जो फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया, उन मेंबर्स के सामने रखा गया कि भाई करो इसके ऊपर चर्चा, क्या लगता है तुम्हें, क्या संविधान ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमने बनाया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग होती है। अब फर्स्ट रीडिंग जो है वो करीब 5 दिन चली, मतलब 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक, मतलब कि 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक 5 दिन के आसपास जो है वो फर्स्ट रीडिंग चली। अब फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या हुआ ना, किसी को समझ नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था और जो मेंबर्स थे, मतलब कि अंबेडकर संविधान को पढ़ रहे थे और सारे के सारे ड्राफ्ट को उन्होंने पढ़ा, तो मेंबर्स को समझ ही नहीं आया, 5 दिन में कैसे समझ आएगा इनको। तो उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग तो बेसिकली एक बेसिक रीडिंग थी जो कि जिसमें हमने देखा कि बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्ट को अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद वो पढ़ के बताते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब सारे लोग जो उसमें थे वो सारे पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर इतना बड़ा जो ड्राफ्ट वो था वो किसी को भी समझ नहीं आएगा पहली बार में। तो 5 दिन पहली फर्स्ट रीडिंग चली, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड रीडिंग चलती है। अब सेकंड रीडिंग जो है ना वो करीब 1 साल चलती है, 1 साल, मतलब कि 13 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949। और इस रीडिंग में, ये 1 साल चली, इसके अंदर एक एक चीज को डिस्कस किया, एक एक आर्टिकल को डिस्कस किया, एक एक लाइन को डिस्कस किया गया, इसके अंदर कई सारी अमेंडमेंट्स लाई गई, पूरे करीबी से हमने देखा कि संविधान के ऊपर चर्चा हुई, कई सारी डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस हुई, कई लोगों ने संविधान के अंदर उस ड्राफ्ट को क्रिटिसाइज किया, अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया। तो हम देखते हैं कि सेकंड रीडिंग के अंदर जो है वो डिटेल तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है इसकी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में बेसिकली अब जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रेडी कर चुके थे, उसके ऊपर उसके अंदर अमेंडमेंट्स ला चुके थे, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद क्या होता है, थर्ड रीडिंग होती है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पास कर लिया जाता है, द मोशन पास्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 नवंबर 1949, और फाइनली हमारा संविधान जो है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो था उसको संविधान सभा ने पास कर लिया था, मतलब कि अब हमारे देश को एक संविधान मिल चुका था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स थे, उसमें से 284 ही प्रेजेंट थे जिस दिन संविधान को पास करना था, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, इनैक्ट कर लिया, एंड गिव टू आवर सेल्वर्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। प्रियम्बल में लास्ट नीचे लिखा है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1946 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव अवर सेल्वर्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है, हमने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को और भारत को एक संविधान मिल चुका था। और ओरिजिनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 26 नवंबर 1949 को टोटल 395 आर्टिकल्स थे हमारे पास, 8 स्केड्यूल्स थे और एक प्रियम्बल था, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया, पास किया, उस वक्त हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स थे हमारे संविधान के अंदर, 8 स्केड्यूल थे और एक प्रियम्बल था, प्रियम्बल हालांकि बाद में डाला गया था हमारे संविधान के अंदर। अब समय आ गया है कि फाइनली हमारा संविधान लागू होगा।
मतलब कि पूरे तरीके से इन्फोर्स होगा, इंप्लीमेंट होगा। मैंने आपको समझा दिया कि 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल रेडी हो गया था, हमने उसको पास कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स नहीं किया था, मतलब कि लागू नहीं किया था, अपने संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया था। और हमने इंप्लीमेंट इसको किया कब, 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो इन्फोर्समेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी बनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ ये इंप्लीमेंट, अगर ये 26 नवंबर ऑफ 1949 को बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी हो गया था, तो उस दिन क्यों नहीं किया गया इसको लागू। तो उसके पीछे एक कहानी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इन्फोर्स करेंगे 26 जनवरी 1950 को, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को ही हम संविधान लागू करेंगे। इसके पीछे का कारण ये था कि हम क्या किया करते थे, हम 26 जनवरी को जो है वो पूर्ण स्वराज डे मनाया करते थे। पूर्ण स्वराज डे होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। तो क्या होता है, हमने 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया था, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ये पहले से मान चुके थे 1930 को हमने जो है वो फुल इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था कि भारत जो है वो अब पूरा इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली 1930 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया था लाहौर सेशन में, और उसके बाद हम 26 जनवरी को जो है वो पूर्ण स्वराज डे कहा करते थे, फुल इंडिपेंडेंस डे या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे कहा करते थे। और इसीलिए ये जो दिन था 26 जनवरी का, ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता था, और इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे चुना, मतलब कि वो दिन जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होगा, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। और उसी के साथ साथ ये जो 26 जनवरी 1930 है, जिस दिन पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया गया था लाहौर सेशन में, उसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान का फ्लैग जो है वो होइस्ट किया था लाहौर में। तो बेसिकली 26 जनवरी 1930 जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, और इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया कि हम अपने संविधान को इस दिन लागू करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी कि 26 नवंबर 1949 को, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को, कुछ आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कर दिया था उसी दिन, जैसे आर्टिकल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 60, 324, ये सब आर्टिकल्स जो है जिस दिन हमारा संविधान बना था 1949 को 26 नवंबर को, उसी दिन हमने इन सब आर्टिकल्स को जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया था। अब इन आर्टिकल्स को क्यों इंप्लीमेंट किया, अरे भाई 1950 को संविधान लागू होगा तो उससे पहले भी तो देश में काम होंगे, तो इसलिए ये जो आर्टिकल्स थे ये सिटीजनशिप के रिलेटेड थे, इलेक्शंस के रिलेटेड थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट के रिलेटेड थे, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के रिलेटेड थे। तो ये सब आर्टिकल्स जो हैं वो उसी दिन जिस दिन हमारा संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन इन सब प्रोविजंस को, इन सब आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया, मतलब कि ये सब आर्टिकल्स उस दिन से ही काम करने लगे, क्योंकि हमारे देश को भी तो चलाना था, हमारे देश के अंदर जो इंटरिम पार्लियामेंट थी उसको भी तो चलाना था, और इसीलिए जरूरी था कि इन आर्टिकल्स को, इन कुछ आर्टिकल्स को उसी दिन इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो पूरे तरीके से लागू हो जाता है। उसी के साथ साथ 26 नवंबर 1949 को हमने कुछ प्रोविजंस को, हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कर दिया था। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जिनको मैं फैक्ट्स, उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो बेसिकली 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं हमारे संविधान को पूरे तरीके से बनने में। तो हमारा संविधान जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में रेडी हुआ था। उसी के साथ साथ हमारा जो लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब था, वो था 24 जनवरी 1950 को, मतलब कि 24 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन था। लेकिन जो हमारी प्रोविजनल पार्लियामेंट थी वो अप्रैल 1952 तक चलती रही। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो संविधान भी बनाएगी और पार्लियामेंट का भी काम करेगी, हमारे देश के लिए कानून भी बनाएगी, ऑर्डिनरी लॉस। तो क्या है,
जब तक हमारे यहाँ पहली इलेक्शंस नहीं हुई, इलेक्शंस के तहत हमारी पार्लियामेंट चुन के नहीं आई, तब तक पार्लियामेंट का काम कौन कर रहा था? तब तक पार्लियामेंट का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी। तो 1952 तक, मतलब कि अप्रैल 1952 तक जो है वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हमारे देश के अंदर एज अ पार्लियामेंट काम कर रही थी। उसी के साथ साथ हमारी जो पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट है, पहली मतलब कि जो चुन के पार्लियामेंट हुई हमारे देश में, जब पहली बार इलेक्शंस हुई 1951-52 में, और उसके बाद पहली हमारी पार्लियामेंट चुन के आई लोगों के द्वारा जो चुनी हुई थी, तो मई 1952 में जो है वो हमारी पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट आई, मतलब कि पहली चुनी हुई इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट जो है हमारी मई 1952 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा ये जो टॉपिक था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इस लेक्चर के अंदर जो है सबसे पहले समझा कि संविधान कहते किसको हैं, संविधान की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने समझा कि किस तरह से हिंदुस्तान का संविधान बना। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने यहाँ पे समझ लिया। तो इस तरीके से हमने कई सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया है। ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा था, लेकिन ट्रस्ट मी ये वर्थ इट है। वर्थ इट मतलब कि इसकी वेटेज काफ़ी है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो हमारा चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा संविधान बना है। तो इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में, एक और नए लेक्चर में, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबको धन्यवाद।